हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ग्राउथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पुराने डीवीडी में से एक ऑडियो बोर्ड निकाल करके एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं, ये वाला बोर्ड लगा हुआ था, ये मैंने निकाल लिया डीवीडी से। और इसमें आईसी देख सकते हैं कौन सी आईसी है, CD6283 आईसी है, डबल आईसी का बोर्ड है। तो इससे एक छोटा सा एम्पलीफायर हम बनाएंगे, बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर इससे बनेगा, क्योंकि इस पर बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि डबल आईसी में जो 6283 आईसी का बोर्ड आता है उसका वायरिंग करके दिखाइए, कैसे वायरिंग करना है। ये वही वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो वीडियो का पूरा एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए इसे सप्लाई देते हैं, क्योंकि इसमें ये कॉम्बो बोर्ड है, इसमें यहाँ पे SMPS सप्लाई भी इधर है, और ये इसका ऑडियो सेक्शन है इधर, ये आउटपुट सेक्शन है, और ये है इसका बास टेबल। ठीक है, तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वायरिंग कर पाएंगे ऑडियो बोर्ड चाहे कोई सा भी हो। सबसे पहले आईसी को देखना होगा कि किस नंबर का आईसी लगा हुआ है, और दूसरी बात ये देखना होगा कि जो आईसी लगा है उसके इनपुट आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव की सप्लाई कहाँ पे देनी है, इनपुट आउटपुट कौन सा है। तो हम किसी भी ऑडियो बोर्ड में वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये डबल आईसी का बोर्ड है। तो इसके इनपुट आउटपुट कि अगर हम बात करें तो दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा वीडियो था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो जब ख़त्म होगा तो एंड स्क्रीन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि कितने नंबर पिन पर वॉल्यूम के वायर लगाने हैं, और ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह सब कुछ लगा करके आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये आईसी स्टीरियो आईसी होता है, इसमें 12 नंबर पिन, इसकी लास्ट वाली 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, पॉजिटिव सप्लाई है VCC। ठीक है, और इसकी 2 और 10 नंबर पिन आउटपुट पिन है, जिस पर हम स्पीकर लगाते हैं। ठीक है, 5 और 7 नंबर पिन इसकी इनपुट पिन होती है, जहां पर हम वॉल्यूम के वायर लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी वायरिंग हम कर देते हैं और मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसकी पॉजिटिव सप्लाई पिन है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली दोनों आईसी पे जा रही है पॉजिटिव सप्लाई 12 नंबर पिन पे। ये देख सकते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 12 नंबर पिन है इसकी। ठीक है, ये 12 नंबर पिन, ये लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं। और इसकी 5 नंबर और 7 नंबर पिन इनपुट होती है, देख सकते हैं, यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये 5 नंबर ये वाली है, ये इसकी इनपुट पिन है, यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, इसकी भी आप देख सकते हैं, ये 5 नंबर है, और ये सीधी यहाँ से कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर से लाइन जा रही सीधी यहाँ पे, ये देखिए ये कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला इसका इनपुट पिन है। ठीक है, आउटपुट की हम बात करें तो 2 और 10 नंबर पिन इसकी आउटपुट पिन है, तो ये देखिए ये 2 नंबर पिन है, यहाँ से लाइन जा रही सीधी, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, और फिर 10 नंबर पिन, ये देखिए ये रही, ये 10 नंबर पिन है, ये दोनों यहाँ पे, तो ये कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो दोनों आईसीओ का ये 4 वायर के लिए ये कनेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, तो ये इसके स्पीकर के लिए है। ठीक है, और 7 नंबर जो है इसकी इनपुट है, तो इनपुट को दोस्तों यहाँ पे हम एक आईसी से एक स्पीकर आउट में ले रहे हैं, तो ये एक इनपुट को ग्राउंड कर दिया गया है, और 5 नंबर वाले इनपुट को वॉल्यूम के लिए यूज किया गया है। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं फटाफट। तो ये USB कार्ड के लिए हम मॉड्यूल लगाएंगे, तो ये 5 वोल्ट के लिए हमें चाहिए 7805, 12 वोल्ट लेंगे, ये इसका इनपुट है इधर, ये आउटपुट है, तो यहीं से हम ले लेंगे, ये पॉजिटिव वायर यहाँ पे लगाएंगे और नेगेटिव यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें 5 वोल्ट ये लगा देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे खुद, और ये वाला हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये इसका इनपुट है, तो ये इनपुट का हम यहाँ पे सॉकेट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्यूम लगाएंगे, इसमें ये 3 वायर हैं, दोनों आईसी के साइड के इनपुट है, बीच वाला जो रेड वाला वायर है ये ग्राउंड है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं एक बार,
हम यहाँ पे लगाएंगे और ये ग्राउंड है, तो दोनों को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे एक वायर यहाँ पे टच करके। ठीक है, अभी कर देंगे। अब दोस्तों ये कनेक्टर और लेंगे हम, ये बीच वाला हमने ऑडियो के सिग्नल के लिए ले लिया। ठीक है, और इसमें भी है एक कनेक्टर और लेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ से इसको बेस टेबल को देंगे, यहाँ से भी हम ऑडियो सिग्नल इस पर लगा सकते हैं, यहाँ पे ये वायर यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कार्ड के हैं, तीन वायर देख सकते हैं, तो यहाँ से भी हम यहाँ पे लगा करके भी इसको चला सकते हैं, लेकिन इसमें बायस टेबल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसके वायर लगाने होंगे। तो एक वायर यहाँ पे लगाना और दूसरा ये लगा देंगे। ठीक है, और ये फिर ग्राउंड से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, बीच वाला ग्राउंड है। ये हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे लगाना है, यहाँ से ये दो कैपेसिटर लगे हैं, एक कैपेसिटर से ये जो बायस ट्रेबल सर्किट है तो इस पर ऑडियो सिग्नल देंगे, तभी बायस ट्रेबल काम करेगा। ठीक है, ये हमने लगा दिए। अब हमें लगाने हैं ये वाला, जो कि कार्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगाना है एल एंड आर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लगाना होगा, ये इसका आउट है, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये लग गया हमारा। अब हम इसको सप्लाई देते हैं और फिर चेक करते हैं। बहुत ही छोटी सी वायरिंग है, यहाँ पर सप्लाई देंगे इसके एसी वोल्टेज, क्योंकि एसएमपीएस इसी में है। फाइव वोल्ट के लिए हमें यहाँ पे इसका इनपुट है या आउटपुट है, 5 वोल्ट यहाँ पे आउट होंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, और बहुत छोटा सा, और ये वेजिटेबल के लिए फिर बाद में हम देखेंगे हमारे यूएसबी कार्ड में। ठीक है, अब हम स्पीकर इस पर लगाते हैं, ये हम स्पीकर के वायर यहाँ पे लगा देते हैं। स्पीकर का आउटपुट यहाँ पे है, तो यहाँ से हम फिलहाल एक स्पीकर लगाते हैं। दो वायर यहाँ पे लगाने हैं, दो यहाँ पे लगाने हैं, दोनों के अलग अलग आउटपुट हैं। ठीक है, अब सप्लाई देखते हैं फिर से। अब देखिए, मैं ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों, हमने सभी वायर अच्छे से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब ब्लूटूथ से एक बार मोबाइल से कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब मोबाइल से हम NCS का सॉन्ग एक म्यूजिक प्ले करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बायस टेबल भी काम करेगा। अगर ये वाले वायर, ये जो वायर हैं, हम यहाँ पे वॉल्यूम पे अगर कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा बेस टेबल काम नहीं करता है, और बेस टेबल में जाने के बाद हम ये यूज़ करेंगे तो बेस टेबल से बास और ट्रेबल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इसकी दोस्तों वायरिंग करना। आप भी इस तरह का बोर्ड अगर आपके पास है या कोई सा बोर्ड हो, उसमें आप उसका वायरिंग कर सकते हैं आसानी से। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आईसी का नंबर पता होना चाहिए और उसके आईसी के इनपुट आउटपुट का अगर नॉलेज होगा तो आप बहुत ही इजी तरीके से किसी भी ऑडियो बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।